तो पिछले एक महीने से मैं कह रहा हूँ कि फाइनल फाइट की वीडियो आएगी, आ जाएगी वीडियो, मेरे करण अर्जुन आएंगे। और फाइनली वो दिन आ गया है जब हम इस 5-part series का आगाज कर रहे हैं। अब इस सीरीज को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ। पहला ये कि इन वीडियोस के हर एक लाइन में आपको स्पॉइलर भड़ भड़ के मिलेगा। तो हाँ, अगर आप ऐसे लोग हैं जिन्हें स्पॉइलर्स नहीं चाहिए डीमन स्लेयर से, तो भैया मत देखो इन वीडियो को। बाद में कमेंट में आके मत बोलना कि स्पॉइलर दे दिया, वो माना नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि इन्फिनिटी कासल में जो फाइट्स हो रहे थे वो सारे पैरेलल में चल रहे थे, तो ऐसे में हम सिर्फ एक बार में एक ही डीमन के फाइट पे फोकस करेंगे, ना कि पैरेलली हर एक फाइट को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आज वाली वीडियो में जिस डीमन के फाइट को हम जानने वाले हैं उसका नाम है डोमा। तो अब जबकि आप इन दोनों रूल्स को समझ गए हैं, चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को। तो हाशिया ट्रेनिंग के बाद मुजान कागाया उबुयाशिकी को विजिट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुजान ना सिर्फ उबुयाशिकी को मारना चाहता था, जो कि ऑब्वियसली बेस थे सारे डीमन स्लेयर्स के, उनके मरने से डीमन स्लेयर्स वीक हो सकते हैं, ऐसा मुजान सोचता था। साथ ही उसे नेजुको को भी कंज्यूम करना था। अब नेजुको क्यों? वेल, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि नेजुको एकमात्र ऐसी डीमन बनी है जो कि सनलाइट को झेल सकती है। तो ऐसे में अगर मुजान नेजुको को कंज्यूम कर लेता है तो वो भी सनलाइट को झेल पाएगा, और सनलाइट को झेलने के बाद मुजान अपना आओ माइकल जैक्सन वाला डांस हमें दिखाएगा। खैर, कागाया को पहले से पता था कि मुजान उन्हें विजिट करेगा, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उबुयाशिकी फैमिली में सभी के पास काइंड ऑफ रिकॉग्निशन होता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है वो फ्यूचर को भांप लेते हैं, और इसीलिए कागाया मुजान के लिए तैयार था। वो तमायो और ग्योमी के साथ मिलकर एक तगड़ा प्लान बनाया था जिसके तहत वो अपने ही घर को उड़ा देता है। इस ब्लास्ट में कागाया, उसकी बीवी और दो बेटियां मारी जाती हैं, लेकिन हाँ, इस ब्लास्ट के बाद कई स्पाइक्स के जरिए मुजान को ट्रैप कर लिया गया था। साथ ही यहाँ कुछ छोटे मेटल बॉल वाले स्पाइक्स भी थे जिसके कारण मुजान जल्दी जल्दी रीजनरेट नहीं कर पा रहा था। तभी यहाँ तमायो आती है और वो मुजान के अंदर अपना फिस्ट घुसेर देती है। अब फिस्ट के साथ कुछ और भी अंदर डाली थी, और इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि हाँ, इस वीडियो में इसका काम नहीं आएगा, लेकिन ये 5-part series है ना, तो आगे की वीडियोस में इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। खैर, मुजान तमायो को यहाँ पे कंज्यूम करना शुरू कर देता है, और इस पॉइंट पे सारे हाशिरा इस जगह पे पहुंचते हैं। इनके साथ तांजिरो भी था, और ये सभी लोग अपना ब्रीदिंग टेक्निक यूज करके मुजान पे एक साथ हमला कर देते हैं। ग्योमी तुरंत ही अपने अटैक से मुजान का सर उड़ा देता है, लेकिन मुजान पलक झपकते ही रीजनरेट कर चुका था, और इससे ग्योमी को पता चल गया था कि मुजान को ऐसे तो मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक ही तरीका है कि आज रात भर इससे लड़ते रहो, इसे फंसा कर रखो, और सुबह होते ही सनलाइट में घसीट दो इसको, ताकि सनलाइट में ये मारा जाए। सभी हाशिरा को लग रहा था कि एक साथ मिलकर वो लोग मुजान पे भारी पड़ेंगे, लेकिन मुजान यहाँ अपना एक ट्रिक लेकर आया था, और वही वो चलता है। तो बेसिकली मुजान बीवा प्लेयर वाली डीमन नाकिमे की मदद से सभी लोगों को इन्फिनिटी कासल में ट्रांसपोर्ट कर देता है, और यहाँ सभी लोग साथ में ट्रांसपोर्ट नहीं हुए थे, बल्कि अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे या अकेले हो गए थे। यहाँ तांजिरो और गियो को हम एक साथ देख पाते हैं, देन ओबनाई एंड मित्सुरी एक साथ थे, और इनके अलावा ग्योमी और मुइजिरो भी एक साथ थे। अपार्ट फ्रॉम दीज, जेनित्सो, इनोस्के, शिनोबू, सानेमी, ये सब अलग अलग बिखरे हुए थे। हम देख पाते हैं कि इन्फिनिटी कासल के अंदर कई छोटे मोटे डीमंस थे जो कि इन हाशिराज और इन डीमंस लेयर्स पे अटैक कर देते हैं, और हम समझ पाते हैं कि मुजान भी भैया पूरी तैयारी के साथ आया था। यही वजह है कि कुछ महीनों से डीमन अटैक्स एकदम कम हो गए थे दुनिया में, क्योंकि मुजान सारे डीमंस को इन्फिनिटी कासल में इकट्ठा कर रहा था ताकि एक ही बार में सभी हाशिराज को खत्म कर दे, मतलब जितने भी उसके दुश्मन हैं एक ही शॉट में सबको हरा दिया जाए। तो सभी डीमन स्लेयर्स इन छोटे मोटे डीमंस को हरा कर आगे बढ़ते रहते हैं, और यहाँ हमारा फोकस जाता है शिनोबू पे, जो कि मिलती है डोमा से। अब डोमा को देखते ही शिनोबू पहचान जाती है कि ये वही डीमन है जिसने उसकी बड़ी बहन कनाए को मारा था। इनफैक्ट डोमा अभी भी यहाँ अपने कुछ डिसाइपल्स को कंज्यूम कर रहा था। डोमा यहाँ शिनोबू से बड़े प्यार से बात करने लगता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो उसका बस एक फसाद है, अंदर से तो वो बहुत ही सरेला किस्म का प्राणी है। जी हाँ, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि डोमा के अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है, बस वो बात ऐसे प्यार से करते रहता है। शिनोबू यहाँ डोमा को कन्फ्रंट करती है कि तुमने ही मेरी बहन को मारा था, और डोमा को ये बात याद भी आ जाती है। अब इससे पहले डोमा कुछ करता, शिनोबू जल्दी से मूव करते हुए उसके आंख में अपना तलवार स्टैब कर देती है, एंड देन कुछ पॉइजन उसके अंदर छोड़ देती है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि शिनोबू अपने तलवार के अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स रखती है जिनको मिक्स करके वो पॉइजन बना देती है, एंड देन डीमन पे अटैक करते वक्त वो इस
पॉइजन को इंजेक्ट कर देती है। जहर के कारण डीमंस यूजुअली कमजोर पड़ जाते हैं एंड देन शिनोबु उन्हें आसानी से हरा पाती है। लेकिन जो जहर शिनोबु डोमा में इंजेक्ट करी थी उसको डोमा इजिली पचा जाता है, मतलब उस पे बैरली कोई इफेक्ट होता है। डोमा यहाँ अपने ब्लड डीमन आर्ट फ्रोजन लोटस का इस्तेमाल करता है जिससे आसपास का तापमान एकदम ठंडा हो जाता है। अब फ्रोजन लोटस से क्या होता है वो मैं बस आपको एक मिनट में बताता हूँ। करंटली फाइट में शिनोबु इंसेक्ट ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके डोमा के ऊपर अपने 5 तरह के पॉइजन का इस्तेमाल कर चुकी थी, लेकिन इनका डोमा पे कोई असर पड़ ही नहीं रहा था। तभी शिनोबु अचानक फील करती है कि उसके लंग्स ड्राई हो रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रोजन डीमन आर्ट की मदद से डोमा क्या करता है, वो अपने पंखे से मिस्ट वगैरह को स्कैटर करता है जिसका ब्लड से कुछ लेना देना है। शॉर्ट में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो डोमा के डीमन आर्ट के बाद सांस लेना भी खतरनाक साबित हो सकता है। इस सब के बावजूद भी शिनोबु डोमा से लड़ रही थी और डोमा कहता है कि मैं जितने भी हाशिरा से आज तक मिला हूं उन सब में सबसे फास्ट तुम हो। इसके बाद डोमा शिनोबु पे अटैक करता है और इस पॉइंट तक शिनोबु का एक लंग पंक्चर हो चुका था। शिनोबु अब हिल पाने तक की हालत में नहीं थी, लेकिन तभी उसे अपनी बड़ी बहन कनई याद आती है जो कि उसे इनकरेज कर रही थी। एक फाइनल बार शिनोबु अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके डोमा पे अटैक करती है और इस हमले को डोमा तक भांप नहीं पाता। शिनोबु उस बार डोमा के गले में पॉइजन इंजेक्ट करती है ताकि उसका गला वीक हो जाए एंड देन उसके गले को काटा जा सके, लेकिन इस जहर का भी डोमा पे कोई असर नहीं पड़ता और इस पॉइंट पे डोमा शिनोबु को हग कर लेता है। अब ये हग प्यार से नहीं किया था बल्कि वो शिनोबु को कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। यहाँ कंज्यूम करने का मतलब है कि वो बेसिकली शिनोबु को खा रहा था। यहाँ डोमा शिनोबु को कहता है कि तुम बहुत वीक हो और धीरे धीरे वो शिनोबु को पूरी तरह से कंज्यूम करने लग रहा था। तभी यहाँ कनाओ एंटर करती है और वो देखती है कि डोमा शिनोबु को ऑलमोस्ट कंज्यूम कर चुका है, लेकिन मरते हुए भी शिनोबु कनाओ को कुछ तो अपने हाथ से सिग्नल करती है। हैंड सिग्नल का मतलब था कि उनका मास्टर प्लान अब काम करने लग गया है। कनाओ फौरन डोमा पे अटैक करती है लेकिन डोमा इजिली इस अटैक को डॉज करता है। अब तक डोमा शिनोबु को पूरी तरह से खा चुका था और बचा था तो सिर्फ शिनोबु का एक क्लिप। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पैरेलल में कई और फाइट्स चल रही थी और ऐसे में डोमा को पता लगता है कि एक अपर मून डीमन मारा जा चुका है। अब कौन सा डीमन मारा गया उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करूंगा, अभी बस आप इतना जान लो कि डोमा कहता है कि मुझे उस डीमन के मरने से बहुत दुख हो रहा है, मैं उसे बहुत पसंद करता था। ऑब्वियसली ये डोमा का फेक इमोशंस था और कनाओ तुरंत ही इसके लिए डोमा को कॉल आउट करती है और कहती है कि तुमसे बड़ा झूठा मैंने नहीं देखा, तुम झूठे हो, मक्कार हो, तू झूठी मैं मक्कार, नहीं नहीं तू झूठी तू ही मक्कार। कनाओ कहती है कि तुम अपने अंदर कुछ फील नहीं कर सकते, तुम बस नाटक करते हो। नाउ दिस वाज सरप्राइजिंग क्योंकि यूजुअली हम कनाओ को इतना बोलते हुए नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ पे वो डोमा को काफी खरी खोटी सुनाती है। वो डोमा से कहती है कि मैं तुम्हारा गला काटना चाहती हूँ और ये सुनकर डोमा एकदम गुस्सा जाता है और कनाओ पे अटैक कर देता है। लेकिन कनाओ इस अटैक से बचते हुए तुरंत ही डोमा पे पलटवार करती है जो कि हिट भी करता है। डोमा नोटिस करता है कि कनाओ यहाँ उसके ब्लड डीमन आर्ट से बचने के लिए सांस ही नहीं ले रही थी और ऐसे में डोमा डिक्लेयर करता है कि तुम तो शिनोबु से भी ज्यादा स्किल्ड हो। कनाओ के अंदर गुस्सा भरा पड़ा था और ऐसे में वो डोमा पे लगातार अटैक करती है, लेकिन अब तक डोमा संभल चुका था और अगेन वो अपने ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करता है। इस हाथापाई में एक पॉइंट पे डोमा कनाओ के हाथ से उसका तलवार ले लेता है और ऐसे में कनाओ का अंत एकदम नजदीक था। डोमा कनाओ पे एक फाइनल अटैक करता है लेकिन इस अटैक को ब्लॉक करता है अपना इनोस्के। जी हाँ, इनोस्के फाइनली कौवे के इंस्ट्रक्शन पे यहाँ पहुंच चुका था और वो देखता है कि कनाओ इंजर्ड हो चुकी है। अब ये कौवे कैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनका काम क्या है और इस पूरे फाइट को ओवरलुक कौन कर रहा है, मतलब संचालित कौन कर रहा है, इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, मतलब इसी 5-पार्ट सीरीज वाले वीडियो में। अभी फिलहाल हम इस कहानी को आगे जानते हैं। तो इनोस्के कनाओ से कहता है कि अगर तुम इंजर्ड होगी तो ये बात शिनोबु को पसंद नहीं आएगी और ये सुनकर कनाओ बहुत उदास हो जाती है। डोमा यहाँ रिवील करता है कि मैंने तो शिनोबु को खा लिया है और ये सुनकर इनोस्के को वो मोमेंट्स याद आते हैं जो उसने शिनोबु के साथ बिताए थे। शिनोबु की मौत के बारे में जानकर इनोस्के एकदम भड़क जाता है और वो डोमा पे अटैक करता है। कनाओ यहाँ इनोस्के को वार्न करती है कि डोमा के आसपास तुम सांस मत लेना वरना उससे तुमको निगेटिव इफेक्ट होगा। इनोस्के सबसे पहले तो डोमा से कनाओ का तलवार वापस लाता है। इसके बाद वो रिलोकेटिंग एंड डिसलोकेटिंग जॉइंट्स टेक्निक का इस्तेमाल करके डोमा पे हमला करता है। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि इनोस्के फिलहाल इस टेक्निक को पूरी तरह से रिफाइन नहीं कर पाया है, लेकिन हाँ काम लायक जरूर वो कर पाता है इस टेक्निक का इस्तेमाल। लड़ाई के बीच में डोमा इनोस्के का वो बोर वाला मास्क है ना उसे हटा देता है और इनोस्के का चेहरा देखने के बाद डोमा को उसका चेहरा थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है। ऐसे में डोमा अपने दिमाग में उंगली करके 15 साल पहले की बातें याद करता है। तो बेसिकली
यहाँ डोमा इनोस्के की माँ को जानता था और ये सब रिलेशन कैसे है क्या है इसे मैंने एक अपर मून वाली वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, यहाँ रिपीट नहीं कर रहा। अभी बस इतना जान लो कि इनोस्के ये जानकर बहुत गुस्सा हो जाता है कि डोमा ही रिस्पॉन्सिबल था उसकी माँ की मौत के लिए। अब इस पॉइंट तक कनाओ भी संभल चुकी थी और वो इनोस्के के साथ मिलकर डोमा पे हमला करती है, लेकिन यहाँ डोमा इन अटैक्स को डॉज करते हुए कहता है कि उसे फौरन लॉर्ड मुजान के पास जाना पड़ेगा क्योंकि एक अपर मून डीमन मारा गया है। डोमा कुछ आइस डॉल्स को क्रिएट करता है जो कि इनोस्के और कनाओ के साथ लड़ने लग जाते हैं। ये आइस डॉल्स काफी टफ थे, मतलब डोमा जैसे ही टफ थे, और इनको हरा पाना काफी मुश्किल होने वाला था। डोमा यहाँ से निकल नहीं वाला था कि तभी अचानक उसका चेहरा मेल्ट करने लगता है, यानी गलने लग जाता है। जी हाँ, उसके ऊपर किसी तरह के जहर का असर दिखने लग गया था और डोमा समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। अब यहाँ हमें एक क्विक फ्लैशबैक के साथ शिनोबू का मास्टर प्लान दिखाया जाता है जिसकी मदद से वो डोमा जैसे डीमन को मारने का प्लान कर रही थी। तो बेसिकली शिनोबू को क्लियरली पता था कि वो डोमा को ऐसे फेस ऑन फेस फाइट में तो हरा नहीं पाएगी, इसीलिए वो पिछले एक साल से ज्यादा से विस्टेरिया फ्लावर पॉइजन को कंज्यूम करने लग गई थी। ऐसे में उसके शरीर में काफी ज्यादा विस्टेरिया पॉइजन था, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड। इस जहर को क्रिएट करने में तमायो मदद की थी शिनोबू का, और फिलहाल शिनोबू के शरीर में 37 kg विस्टेरिया पॉइजन था। रेफरेंस लिए मैं आपको बता दूं कि शिनोबू जो अपने तलवार से इंजेक्ट करती है तो वो सिर्फ 50 mg ही पॉइजन डालती है, लेकिन यहाँ 37 kg है जिसका कि इफेक्ट ऑलमोस्ट 70 times ज्यादा होगा। शिनोबू जानती थी कि जब वो लड़ाई में हार जाएगी तो डोमा उसे खा लेगा, और हुआ भी ऐसा ही। तो बेसिकली जब डोमा शिनोबू को खाया तो शिनोबू के अंदर जो 37 kg जहर था वो अब असर दिखाना शुरू कर दिया था। इससे डोमा काफी कमजोर हो गया और उसके आइस डॉल्स भी गायब हो गए। नाउ दिस वॉज द करेक्ट पॉइंट जहाँ प्लान के दूसरे हिस्से को अंजाम दिया जाने वाला था। तो प्लान का दूसरा हिस्सा काफी सिंपल था, जहाँ इन लोगों को डोमा का सर धड़ से अलग करना होगा, और ये काम काइंड ऑफ आसान हो जाएगा क्योंकि डोमा अभी कमजोर है। तो मौके पे चौका मारने के लिए इनोस्के और कनाओ डोमा पे फाइनल अटैक कर देते हैं, लेकिन डोमा यहाँ अपने ब्लड डीमन आर्ट से एक बड़ा सा स्टैचू काइंड ऑफ थिंग खड़ा कर देता है जिससे कि वो खुद को डिफेंड कर रहा था। डोमा को मारने का मौका हाथ से निकल सकता था, और ऐसे में कनाओ अपने फाइनल फॉर्म का इस्तेमाल करती है। ये फॉर्म था इक्विनॉटिकल वर्मिलियन आई। तो बेसिकली इस फॉर्म की मदद से कनाओ हाइपर फोकस करके चीजों को एकदम स्लो मोशन में देख पाएगी। अब स्लो मोशन में होगा तो ऑब्वियसली वो फास्ट मूव करेगी एंड अटैक कर पाएगी, डॉज कर पाएगी बड़े से स्टैचू वाले को। लेकिन इस फाइनल फॉर्म का डाउनसाइड ये था कि इससे यूजर के आंखों पे इतना जोर पड़ जाता है कि उनके जो वेसल्स होते हैं, नसें जो होती है आंखों के अंदर, वो पंचर हो जाएंगी। तो इन नसों के फट जाने से कनाओ एक आंख से अंधी हो जाएगी। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो कनाओ दो बार ही इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकती है, एक बार इस आंख के लिए, एक बार इस आंख के लिए। तो कनाओ यहां अपने एक आंख की रोशनी को सैक्रिफाइस करते हुए इस फाइनल फॉर्म का इस्तेमाल करती है, देन बहुत ही तेजी से मूव करती है, डोमा के पास पहुंच के उस पर अटैक कर देती है। अब पॉइजन हालत में भी डोमा के सर को काटना इतना आसान नहीं था, और इसीलिए इनोस्के दूसरी तरफ से आता है और डोमा के सर को काटने की कोशिश करता है। कनाओ और इनोस्के एक साथ ताकत लगाते हैं और फाइनली वो डोमा के सर को काट डालते हैं। ऐसा होते ही डोमा मारा जाता है और फाइनली अपर रैंक 2 डीमन खत्म हो गया। अब डोमा अपने आफ्टर लाइफ में शिनोबू से मिलता है और शिनोबू से देखकर खुश होती है। मतलब खुश इसलिए होती है क्योंकि ऑफ कोर्स डोमा मारा गया है, तभी तो आफ्टर लाइफ में दिख रहा है। तो डोमा के मरने से शिनोबू को खुशी थी। इस पॉइंट पे हम देख पाते हैं कि मरने के बाद डोमा काइंड ऑफ इमोशंस को फील करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट उसे शिनोबू थोड़ी क्यूट सी भी लगती है। वैसे शिनोबू हम सबको क्यूट सी लगती है, मतलब ये तो किसी को ही फील हो जाएगा। वहीं अगर इनोस्के और कनाओ की बात की जाए तो वो लोग फिजिकली तो काफी हर्ट हुए ही थे, लेकिन वो लोग मेंटली टूट चुके थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनोस्के को अपनी माँ के बारे में पता चला था और उन्हें याद करके वो रो रहा था। वहीं अगर कनाओ की बात की जाए तो वो अपनी बड़ी दोनों बहनों को खो दी थी, तो ऑब्वियसली वो तो उदास थी ही। कनाओ यहाँ महसूस करती है कि उसकी दोनों बहनें उसके सर को थपथपा रही हैं और कह रही हैं कि यू डिड वेल, यानी कि बेसिकली उसे सांत्वना दे रही हैं और उसे अप्रिशिएट भी कर रही हैं। कनाओ की दोनों बहनें यानी कि कनाए और शिनोबू, वो दोनों आफ्टर लाइफ में अपने फैमिली के साथ मिल चुकी थी। तो इस तरह से डोमा मारा गया, और भले ही डोमा मर गया हो लेकिन अभी भी दूसरे अपर मून डीमंस जिंदा हैं। वैसे अगर पैरेलली बात किया जाए तो अब तक 2 और डीमंस मारे जा चुके हैं, जिनके बारे में आपको आने वाली वीडियोस में अच्छे से बताऊंगा कि उनके साथ क्या हुआ, कौन लड़ा, कैसे वो मारे गए। तो हाँ, आप कमेंट करके बताओ कि पार्ट 2 में आप किस डीमन की कहानी को देखना चाहोगे। वैसे यहाँ मैं मार्वल मूवीज के स्टाइल में बोल दूं, वो पोस्ट क्रेडिट में बताते हैं ना वो लोग, दिस विल बी बैक, कैप्टन अमेरिका विल बी बैक, ये विल बी बैक, वैसे ही इनोस्के एंड कनाओ विल बी बैक। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और हाँ, ये 5-part सीरीज का पहला वीडियो है तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दिखाइए। लाइक टारगेट रखते हैं 20K, इनफैक्ट हर एक वीडियो पे 20K ही लाइक
टारगेट रहेगा, यानी कि 5 पार्ट को मिला के 100K likes। मजा आएगा अगर आप लोग कर दोगे तो। अब आने वाली 4 और वीडियो को आप मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।